What is up everyone, मैं हूँ केन, ना इन बार फिर यू नो मैं खेल रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर 2। दोस्तों ये मेरा उसका पार्ट 2 का वॉक थ्रू है, मतलब सेकंड वॉक थ्रू है, और अपन बस आगे बढ़ने वाले दोस्तों। तो अपना एक सैनिक अपन को मिल गया है जो यहाँ पर धराशायी हो गया है, अपन इससे बात करते हैं। My lord, I knew you would not be killed. I never lost faith. अच्छा? Return to Sparta and prepare for battle. But our brothers are dead. Can still hold a sword. Spartans do not surrender. Do as your god commands. And what of you, my lord? Oh, Pegasus! I am going after Zeus. It seems I still have allies on Olympus. तो अपन आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्रेटोस को हिम्मत आ गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं मिशन में जाने से पहले थोड़े से सेटिंग्स दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने ब्रदर ने, मुदित भाई ने पूछा था कि क्या क्या सेटिंग यूज़ करते हो ब्रो। तो ये है प्लगइन के सेटिंग्स, देख लीजिए भाई। यहाँ पर जाके अपना SS मैं 4 में चला रहा हूँ, आपका 3 में भी चला सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। तो मैं 4 में चला रहा हूँ, ठीक। और ये नया वाला वर्जन है उसका, एकदम लेटेस्ट। और प्लगिंग्स के बाद यहाँ देख लीजिए, ये सारे मेरे सेटिंग है। और कुछ और सेटिंग मैं दिखा देता हूँ, ये इसमें चल रहा है गेम। और मैं यहाँ पर अब टाइम वेस्ट नहीं करता। बाकी लोग सोच रहे होंगे कर क्या रहा है फालतू आदमी ऐसा, पर अपन अब मिशन करते हैं। मैं अपने एक दोस्त को PCX2 के सेटिंग्स दिखा रहा था दोस्तों, बस और कुछ नहीं। इमुलेटर के साथ खेलना पड़ता है तो थोड़ा सा मतलब मेहनत भी करना पड़ता है उसको चलाने के लिए, तो मैं वही करके चला रहा हूँ। एकदम हार खा गया था मैं। अच्छा, क्रेटोस का दिमाग खराब हो गया है। सही बोल रही है। Your only hope is to find the Sisters of Fate and travel back through time to the moment Zeus betrayed you. For only then will he truly be vulnerable. तो आकाशवाणी में जो महिला जो बोल रही थी उसके बारे में बता देता हूँ। वो बोल रही है कि अगर वो डायरेक्ट ज्यूस से अभी लड़ने जाएगा तो मुंह की खाएगा, मतलब हार जाएगा और नहीं लड़ सकता, क्योंकि अब वो गॉड नहीं है। और उसका सिर्फ एक ही चारा है अब बचा है जिसके पास उसको हेल्प मिल सकता है, वो है सिस्टर ऑफ फेट्स के पास। और उनके पास जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपन को। सिस्टर ऑफ फेट टाइम से रिलेटेड रहते हैं, तो अपन टाइम में वापस जाके उस समय में जाके मार सकते हैं ज्यूस को, जहाँ पर उसने अपन को हराया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यूस की भजिया पूरी तरी निकालना है अपन को। ओहो, यहाँ पर टाइफून आएगा दोस्तों, टाइफून टाइटन का नाम है, और उस जगह में अपन जाएंगे। मैं आपको टाइफून के बारे में कुछ बताऊंगा भी, पहले इनके बारे में बता देता हूँ। ये ग्रिफिन है, ग्रिफिन लोग मिथोलॉजिकल क्रीचर हैं जो आधे मतलब शेर के बॉडी और ईगल के बॉडी के जैसे रहते हैं। वो हैं, उनका सर ईगल का रहता है। बच जा, ए शिट, अरे रे 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 रे, अगर आप बहुत सारे जितने भी वो गेम खेलेंगे, मिथोलॉजिकल गेम जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े लोग आते हैं या फिर कोई भी फैंटेसी वाला, तो ग्रिफिन आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ए मेरे को मारता है ग्रिफिन है तू, चुप रहा। ये ले तेरा पंख काट के मैंने चिकन तंदूरी बना दिया, समझे? वैसे ये ईगल है तो ईगल तंदूरी। वाह 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 वाह, ऐसा मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फेंक उसे उठा के। तो अपन बूस्ट यूज कर सकते हैं एक्स से, नीचे में ये ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर राइडर, ओह शिट, नहीं 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 नहीं, गिरना नहीं। वो जो चिड़िया है सामने से आके टकराता है, वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, उससे बचना चाहिए। एक और आ रहा है, एक्स, क्या बे बड़ा हीरो बनता है, ये ले।
ये है राइडर, ये बॉस है। अभी इससे अपन लड़ेंगे नहीं, अभी से इससे अपन मिलेंगे और इसकी होशियारी का थोड़ा प्रदर्शन देखेंगे। नीचे जो बैम बच गए, उसके पास कोई भाला रहता है दोस्तों जो बहुत पावरफुल है। ओह नो, शिट 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 शिट, मेरे को याद है यहाँ पर ये होता है, मैं बच गया। तो अपने घोड़े का नाम फिनिक्स है दोस्तों, सॉरी फिनिक्स नहीं नहीं नहीं, फिनिक्स नाम नहीं है, पेगासस है। ये वही घोड़ा है जो हरक्यूलिस यूज करता है शायद, पर इसमें काला है। ये है टाइफून, मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों। ये टाइफून जो टाइटन है ये बहुत खतरनाक रहता है। ये जो ग्रेट वॉर होता है गॉड और टाइटन्स का, उसमें हारता है और ज्यूस इसको इस गुफा में बंद कर देता है। साले के पास विंड की पावर है, तूफान ला सकता है। अपन इस जगह से गुजरेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पकड़ में तो आ, देखो नीचे बहुत सारे फौजी लोग हैं। आधा टाइम तो अपना यही खपत हो गया। और ये देखिए, ये घोड़ा जाके वहाँ पर बैठता है और चपका जाता है। कितना मूर्ख घोड़ा है क्या बताऊँ मैं, ऐसा घोड़ा मैं कभी ना पालूँ जो खुद ही जाके मरे। और उसको अपन को छुड़ाना पड़ेगा, उसके लिए अपन को रेंज ऑफ द टाइटन चाहिए यानी गॉड मोड। तो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा गॉड मोड। आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़का इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है, ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों मैं बोलने का, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। आई एम वेरी भूलक्कड़। इस टाइटन का हाथ अपन नहीं उठा सकते, तो अपन को आगे बढ़ना होगा दोस्तों। मैं सीक्रेट भी दिखाते जाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे सीक्रेट मालूम है। अगर मैं सीक्रेट नहीं दिखाऊंगा तो अबे तू कैसे मारा मेरे को, ये ले। मेरे को कोई मारे मेरे को बिल्कुल पसंद आई, अच्छा नहीं लगता मुझको, मेरी बेइज्जती हो रही है, अच्छा नहीं है। अरे रे रे, यस, इन चिंगरी लोगों से लड़ने का टाइम नहीं दोस्तों मेरे पास। मैं बहुत ही समय का पाबंद आदमी हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। हाल ही में मेरा गेम प्ले का वॉक थ्रू कंप्लीट होने वाला था, इसलिए मैं और बिजी हो गया हूँ। तो ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं गेम प्ले का वॉक थ्रू के बारे में बता रहा हूँ। डेविल मेक्राय का ये वीडियो अपलोड कर रहा था दोस्तों, साला पता नहीं प्रोसेसिंग में अटक जा रहा है, पूरा दिमाग का दही हो जा रहा है, इसलिए ना और चिढ़ा हुआ हूँ मैं। चलो ये मर गया, अपन सेव करें कि नहीं, कर लेते हैं यार, मरने से तो अच्छा ही है। ये हो गया अपना सेव दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। बड़ा गर्मी है दोस्तों आज, सही पे बहुत ज़्यादा हद है। ओहो, इसे तो जानते हो गया आप लोग, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं तो भी जान रहे होंगे, क्योंकि जिन लोग मेरा गॉड ऑफ वॉर पार्ट वन देखे होंगे तो मैं इसके बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था। ये है मिनोटॉर, और ये कैसे बनता है ऐसा, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये लोग तो हारती हैं कौए साले। हट, अपन आगे बढ़ते हैं। दो लोगों को निपटा देने के बाद जो खुशी मिलती है आप लोग नहीं जानोगे दोस्तों, सच में। इजी में खेलता ना तो ये जगह मेरे लिए 20 मिनट का खेल था बस, और कुछ नहीं, हंसी मजाक। नॉर्मल में खेल रहा हूँ तो थोड़ा वो लगेगा, टाइम लगेगा। हार्ड में खेलोगे तो 40-45 मिनट का जगह ही है, लंबा जगह है मतलब। ओ शिट, गेम में हो क्या रहा है। ओहो, अल्ला ला ला ला, मारा रे बाबा। ये क्या कर लोगे बे तुम लोग मेरा,
ये अर्जुन लोग बहुत ज़्यादा तीरंदाज बन रहे हैं, इनको पता नहीं मैं इनसे बड़ा अर्जुन हूँ। ये ले इधर आ भैंस, तुझे मैं अपना तलवार टेस्ट कराता हूँ। तेरे मुंह में छुपा हुआ मैं गुटका देखना चाहता हूँ। ये देखिए ये गुटका निकाल दिया। ऑब्वियसली पता नहीं ये बैल लोग को कहाँ से पैसा मिल जाता है जो गुटका खरीद लेते हैं। अपन साइड से चिपक के थोड़ा सा सुमड़ी में निकलते हैं और सुमड़ी में घुमड़ी करते हैं। दोस्तों अभी प्रोमीथियस आने वाला है, जिसके बारे में अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग वो खुश हो जाएंगे। चल ऊपर चल, मेरे बात में ध्यान मत दे, तू क्रेटोस है बस और कुछ नहीं। लटक जा भाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है? ओह शिट, ये देखिए नाश्ता पिज्जा बर्गर जो भी बोलो। गॉड ऑफ वॉर यू लिव, आई नो लॉन्गर वॉक विद द गॉड्स। ओहो, हु हैज प्लेस्ड यू इन दिस टॉर्मेंट? Zeus, my only crime was helping mankind. Uh-huh. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal. As punishment, mm-hmm. he made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night, I am healed. How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know. ओह वाह, जिंदा हो गया बुढ़ाऊ। प्लीज गोस्ट ऑफ स्पार्टा रिलीज मी फ्रॉम माय टॉर्मेंट। तो ये है प्रोमीथियस दोस्तों, और ये यहां पर बंधा हुआ है, तो अपन को इसको आज़ादी दिलाना है। तो ये क्या रहता है, ये एक टाइटन रहता है, एटलस एक टाइटन है जिसका ये बड़ा भाई है। एटलस आएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, गॉड ऑफ वॉर 2 में है वो। और ये क्या करता है कि ज्यूस से बिना पूछे ओलंपिस से आग को मॉर्टल लोगों के पास, मतलब कि इंसानों के पास ले जाता है, जिससे ज्यूस गुस्से में आके इसे इस टाइफून के हाथ में बांध देता है। देखो हाथ में था, उसके रिंग की तरह उसको बांध दिया रहता है। तो उसके बाद उसको एक श्राप देता है जिससे हर दिन वो चिड़िया आएगा और उसके पेट से उसका लीवर खा लेगा, और हर रात को मतलब या फिर शाम को वो फिर से ठीक हो जाता है। तो हर दिन बेचारा तड़पते रहता है। ऐसे कितने दिन हो जाते हैं, शायद 30,000 साल तक वो बना रहता है, मतलब माइथोलॉजी का हद नहीं है। अबे किधर जाना है मेरे को? नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। इधर को आ, तेरे को मैं प्यार सिखाता हूँ। ये साले लोग क्या सोचते हैं, मैं एकदम इजली हार जाऊंगा? नहीं, मैं इनका बाप हूँ। ये लो तड़ा, अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सेव नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सीक्रेट है दोस्तों, हद नहीं, आप लोग खुद देख देख के मर जाओगे कि इतना सारा सीक्रेट एक ही जगह में कैसे छुपाया था साला। मैं तो कई सीक्रेट को, मेरे को 1-2 साल लग गए थे जानने में, और उस समय तो नेट भी नहीं था जब ये गेम आया था। तो अपन लोग खुद खेल खेल के पूरा सीक्रेट खोजे थे। ये है गॉर्गनाइज, इससे हेल्थ बढ़ता है। चल कूद ऊपर चल, इन लोग के पीछे मत रह, इन लोग टाइम पास करवाएंगे अच्छा खासा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ओहो यस,
हेल्थ में ज्यादा लूंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को जरूरत ज्यादा कम ही पड़ेगा। इसको अपन आ गए हैं तो लेके ही चलते हैं या फिर वापस आके ले जाएंगे। हाँ वापस आके ले लेंगे, अभी इसके ऊपर टाइम नहीं खा पाते, वापस तो आना ही है। तो अभी अपन टाइफून से मिलने वाले दोस्तों। टाइफून अच्छा नाम था साला टाइटन का। हर ग्रीक माइथोलॉजी में मतलब हर फोगट का नाम है और वो सब साले अपने इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अरे रे रे मेड्यूसा गॉर्गन, ओ शिट, उसकी आंखों से गोली नहीं निकलता दोस्तों, उसकी आंखों से पत्थर बनाने वाला पावर निकलता है। ए क्या रे तू मेरे को पत्थर बनाएगी, मैं दुनिया को चंपक बनाता हूँ। उल्टे हाथ का पड़ेगा तो खत्म हो जाएगी ये बूमबास्टिक बम। इधर को आने का, डांस करने का, डांस करके मर जाने का। ओह नो, ये बहुत टफ रहता है दोस्तों कई बार। यस अब नहीं जाए, अबे ऐसे दो आ गए, ये क्या मजाक है। नहीं ओ मैडम प्लीज मर जा। मैंने क्यों नॉर्मल में गेम को स्टार्ट कर दिया, इनके चक्कर में मैं बहुत पीटूंगा। हट ये ऐसे मेरा अभी जो ब्लेड है वो अपग्रेड नहीं है तो इन लोग मेरे को बहुत ठूसा देंगे, मतलब बहुत मारेंगे ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ये बर्ड लोगों के ऊपर अगर इनका नज़र पड़ जाता है तो इन लोग भी पत्थर बन के गिरते हैं और नीचे गिरते के साथ टूट जाते हैं। इनको मैं बांध में भी पीट सकता हूँ पर नहीं, मेरे पास अभी मौका है, अभी पीट ही देता हूँ। ओहो गड़बड़, इधर आ, आधा टाइम तो तेरे ऊपर ही खप गया मेरा। ओहो यार कितने नजर हैं, इधर आओ। यस इधर आ, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, इधर आ तू। यस ये खुल गया और अपन आगे चल सकते हैं। वैसे अपन डायरेक्ट भी चल सकते थे पर मैं इनको मार के ही जा रहा था, मैं सोचा कि मार ही लेता हूँ, क्या करना क्या है, बस थोड़ा सा काम है। शट अप, मेरे को तेरा कोई बात नहीं सुनना। ये रहा वो, अपन अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं इनकेस मर जाएं इससे पहले। यहाँ कहीं ये बेस्ट है दोस्तों, सही में बेस्ट। मैं मेरे पास अपग्रेड करने के लिए कुछ आया, ओह नो शिट नहीं आया। मेरे को ऑब्स मिलेंगे रेड ऑब्स तभी मैं अपग्रेड कर पाऊंगा। अब ये फूक मारो अभियान करेगा दोस्तों, सबसे बड़ा फूकिया रह चुका है ये, अब मैं क्या बताऊं। अरे रे रे रे, और अपन यहां पर छुप के शरण ले सकते हैं उसकी गंदी बास वाली फूक से। नहीं ओह शिट, मैं बोल ही रहा था और कांड हो गया। नहीं बच, एक बार तो मर गया हूं मैं, दूसरे बार इज्जत का फालूदा नहीं कराना मेरे को। अबे भाग, नहीं बच गया मैं, बच गया बच गया। यस वन टू कप फोर, यहां पर मर मर के तुम्बाड़ हो सकता है इसलिए एकदम सचेत रहना चाहिए। ब्रूम
अब यहाँ पर मैं फाइट करूंगा। हट, अरे रे रे, इसका साला बास मुड़ा भूख यहाँ तक आता है। अरे चुप रे रे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं तेरा थोबड़ा। देख, आई एम वेरी पावरफुल। ये अभी भी उसका हरकत नहीं रुकेगा दोस्तों, अपन को उसके बचते बचाते जाना पड़ेगा, नहीं तो फूंक मार के अपन को सीधा दूसरी मंजिल में पहुंचाएगा। उसके बात करने से पहले अपन पहुंच जाते हैं। यस, होट डाल उसका आंख, और उसकी आंख में धनुष है, ये रहा। यस, दूसरे से भी इसको अंधा कर देते हैं। Shut up, टाइटन होगा अपने घर में होगा, अपन टाइटन के भी बाप हैं। तो टाइफून को हराने के लिए बस कुछ नहीं, उसके आंख में एक और तीर जड़ना है, नैंसू को बताना है कि अपन कौन है। ये ले खा, अंधा हो गया ना, अंधों में काना राजा सुना होगा, पर अंधों में काना टाइटन है ये। बम्बास्टिक, बम 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 बम, यहाँ तो अनलिमिटेड है यार, पूरा यूज करूंगा मैं, मौके का फायदा। हट, अबे बे 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 बे, कौन अर्जुन मार रहा है मेरे को? हर अर्जुन को बता दूंगा कि मैं कौन हूं। हर बाप का एक बाप होता है दोस्तों, जिसे अपन दादाजी कहते हैं, और दादाजी हमारे सामने है, इनकेस अगर आप नहीं देख सकते तो। इधर सीक्रेट है, इधर को आ। अबे मार मत, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, पर अपन को ये करना है और ये अपन करते जाएंगे जब तक इनका लाश जलेगा, वहां से बर्फ पिघलेगा, बर्फ के अंदर से माल निकलेगा। ये ऐसे देखो, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स है और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता, और आप लोगों को सीक्रेट दिखाने से बचना भी नहीं चाहता। यस, लाश जल गए और अपने सामान यहाँ पर पड़े हैं। अबे किसको मार रहा है? हीरोगिरी अपने घर में दिखाना, यहाँ नहीं। ये बकरा, रुक, तेरे को मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये ले, बहुत रोल मार रहा था दोस्तों मेरे सामने, रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे आप लोग सोचेंगे इस बंदे को पसंद क्या है, हंसेगा कब? ये अपन आगे बढ़ते हैं। यस, पहले वो धूरलंग को निपटा देते हैं, नहीं तो उन लोग अर्जुन लोग ऐसा तीर मारेंगे कि अपन पाताल लोग की सैर कर लेंगे। पहला, एक दो तीन चार पाँच छः, साले लोग बड़ा हीरो बन रहे थे। इनको तोड़ के बहुत सारा इनाम मिलेगा, तोड़ना जरूरी भी है। ऐसे ये ऑब्स कंप्लीट, मतलब अपन कुछ बढ़ा सकते हैं, अमीर हो गए दोस्तों अपन, अमीर। दिल से भी अमीर, यहाँ पर अपन अब अपग्रेड कर सकते हैं। चल भाई हो जा। यस, यहाँ पर सेव, इनकेस लाइट गोल हो जाए इसलिए। यस, चल भाई, चल मेरे भाई। एक टुक और सिगरेट छोड़ के गया था मैं, उसको भी लेना बाकी है। मैं फिर से अच्छे सेटिंग करूँगा दोस्तों, मैं बीच में सेटिंग चेंज कर दिया था, उसके कारण ना कुछ कुछ लैग हो रहे हैं। इस गेम को मैं फुल फास्ट खेल चुका हूँ, मेरे को मालूम है, और मैं खेल के ही दिखाऊंगा। अभी वैसे 60 फ्रेम में चलता रहता है, पर कभी कभी लैग हो जाता है। ऐसे ये बर्फीला क्षेत्र वैसे लैग से भरा ही हुआ है, मैं क्या बोलूँ।
ये ऐसे सीक्रेट लेना रहता है इनकेस जिसको नहीं मालूम होगा उनके लिए। चल हो गया, वैसे सब तो फुल है, बस है अब वापस तो आना नहीं है, इसको लेके चलते अपन। बहुत रोकड़ा मिला है अपन को, बहुत माल पानी, अमीरी चाहिए मुझे। ये वैसे उधर से अपन शॉर्टकट जा सकते हैं, पर इधर सीक्रेट कौन लेगा, ताऊ नहीं अपन ही लेंगे, तो अपन लेने चलते हैं। यस, इसे कभी मत छोड़ना, अगर जो छोड़ देगा तो मैं चैतू बोलूंगा। हर चीज यहाँ फ्री का मिलता है दोस्तों, बस मालूम होना चाहिए कहाँ मिलता है, फिर देखो कमाल। जगास, चल ऊपर चल, मेरी इज्जत डाउन मत कर। यस, एक बार में इधर, दूसरी बार में अपन इस बुढ़ऊ के पास पहुंचेंगे और इसके मुंह पे देंगे दनाद दन। अबे बे बच कैसे गए तू? यस, ये बर्फ को देख के मेरे को एकदम चिढ़ सा हो जाता है। ओह, तो प्रोमेथियस को अपन ने मुक्ति दिला दी, अब प्रोमेथियस अपना गिफ्ट देगा। प्रोमेथियस फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ द गॉड्स, हिज फ्लेश हैज टेंटेड द फायर्स ऑफ ओलंपस एंड एम्बॉडीड इट विद द पावर ऑफ द टाइटंस। यस, दीज एशेस विल गिव यू ग्रेट स्ट्रेंथ क्रेटोस, टेक देम विद इन यू एंड यूज दिस स्ट्रेंथ टू डिफीट योर एनिमीज। यस, द रेंज ऑफ द टाइटन, बस यही मिल गया अपन को, इसको यूज भी करेंगे देखना दोस्तों अपन, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं करें, फ्री का माल क्यों ना यूज करें। चल जल्दी बोल। Let the rage of the titans fuel your blades, Kratos. Yes. अरे रे रे। Boom. Bam. ये देखो अफलातून बेबा, ये कैसे भाईसा मुझसे लड़ेगा, छोटू हीरो बनेगा बाप के सामने। आप लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा पावर फ्री पॉकेट में यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्री का माल ही है दोस्तों ये अभी। आठ, किसी से नहीं डरता मैं, यहाँ वापस तो आना नहीं है इसलिए इसको लेके चलते हैं। चल, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं R2 दबा रहा हूँ क्योंकि मैं गॉड ऑफ वॉर 1 खेल के आया हूँ, तो मेरे को उसी का आदत है। बूम, चल ऊपर चल, यहाँ पर कहीं पर सीक्रेट रहता है यार, कहाँ ऊपर रहता है, हाँ यस दिख गया, सब सीक्रेट बताऊंगा दोस्तों, बस मेरे साथ रहिए। ऐसे करके जाना है और यहाँ घुस जाना है, ये देखो यहाँ सीक्रेट, ये सब मैं खेल खेल के खोजा हूँ, नेट में नहीं खोजा हूँ, दो बता देता हूँ। अंधा पट्टी में कई चीज मिल जाते थे। अबे पकड़ उसको, ऐसा लग रहा था अभी ये पकड़ेगा ही नहीं, अगर ये नहीं पकड़ता तो मैं पकड़ लेता। वैसे दोस्तों मेरा टाइटन वाला रेंज खत्म हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए मेरे को दीवार पे मारना पड़ेगा। यस, सही सुना आपने, दीवार पे टाइटन वाले दिखाऊंगा आपको। ला ला ला, ये रहा पंख, ला ला ला, ये रहा अब, और ये रहा आंख, नहीं आंख नहीं मिला, मैं अंधा हो गया आधा। अबे कूद उधर चचा बहादुर। Yep. Bye bye. अब सबसे बेकार चीज जो मेरे को कभी पसंद नहीं आया गॉड ऑफ वॉर में, ये ऐसे चलना और उसके बाद दो लात मारना। हट,
अरे रे 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 रे, लात मारने से पहले मेरे को हाथ मार दिया है तो मार उसके मुंह तोड़ डाल उसका। इज्जत से बात कर, अपन डॉन है यहाँ के। इधर आ तू, तेरे को गले मिलाता हूँ मैं। ये ले, मेरे जूते में प्रसाद लगा था जो तू खा लिया। यस, अपन पहुँच गए। अब नीचे जाना है बस, और कुछ नहीं। इसको मार मार के अपन ऐसे बढ़ा लेंगे। बूम, फुल कर ले इसको। वापस तो आना नहीं है, फ्री का माल है ये। गोल्डन ऑर्ब मतलब अपना उसका रेंज ऑफ द टाइटन का ऑर्ब है। तो अपन चलते हैं आगे। ये वो भीड़ भाड़, धक्कम धक्की। ये किसको मार रहा है बाबू बंटाई को? नहीं मार सकता तू। ये ले, कबम। तो ये यहां पर खेल खत्म हो रहा है। चल ऊपर, अच्छा खासा दूर खेल लिया दोस्तों। मैं चाहता हूं कि अब मैं वीडियो एंड कर लूं। 30 मिनट का वीडियो बहुत है, खासकर आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। इसके बाद अपन घोड़े को छुड़ाएंगे और यहां से निकलेंगे। बस और कुछ नहीं करना है, इन लोगों को निपटा देता हूं। नहीं तो इन लोग शौकीन है, मार नहीं खाएंगे तो इनका इज्जत नहीं बढ़ेगा। अबे मारता कैसे तू, मारा कैसे तू, मैं तेरे को बताता है। ये ले, ओहो एक और आ गया। इधर आ, अपने दोस्त का मदद करेगा बुढ़ाऊ। ये ले और ये भी खा ले। इन लोग बहुत रोल मार रहे हैं दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के साथ ऐसा सुलूक करता हूँ। ये देखो, तू भी इधर आ, तू गले मिल, इधर आ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा वीडियो ऐड होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वॉक थ्रू थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इतू सा जितना भी अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय फ्रेंड्स।